अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहां पर यह मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को इंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि दो की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है खैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मि का मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालांकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड मैंट्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविज़न प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टीवी चैनल है वहां पर इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी दोस्तों हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलानी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी हैं है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट 200 करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरब होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवा और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहित संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है उनको अपनी कंपनी के रहशों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूटूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके रैड से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़ॉन प्राइम वडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है खैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन एस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालाँकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड मैंट्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी दोस्तों हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो कार्तिक पला की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो करोड़ पार का बताया जा रहा है ख़ैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरब होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवा और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहशों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फ़ैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिज़नेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूटूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके रैड से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैंड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है खैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गज़ब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन एस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पी, पी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालांकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड मैंट्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी दोस्तों हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलाणी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो करोड़ पार का बताया जा रहा है ख़ैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरबपति होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवाँ और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहश्यों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फ़ैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिज़नेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फ़िल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप ख़ैर इस मूवी को खुद से ही देख लीजिए आपको क्या सील लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूट्यूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग YouTube पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैं इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिश जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है ख़ैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालाँकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड माइंड्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी दोस्तों हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी पेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलाणी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरबपति होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्याम व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवाँ और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया के उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहस्यों को ली करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फ़ैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिज़नेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमैक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फ़िल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप ख़ैर इस मूवी को खुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूट्यूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट्स है और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंड है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फ़िल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग YouTube पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैंड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहां पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है ख़ैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालाँकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड माइंड्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलाणी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो सौ करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरबपति होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्याम व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवाँ और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहित संबंध रखता है अजय कर्ण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंशियर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहस्यों को ली करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी ही देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूटूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट्स है और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग YouTube पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैं इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आप कोई ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है ख़ैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पी, पी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालांकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड माइंड्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो कार्तिक पलानी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो सौ करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरब होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस, मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवाँ और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ल बेटी रिया के उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो और उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहश्यों को ले करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फिल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूटूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आप कोई ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है खैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालाँकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड मैंट्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो कार्तिक पलानी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो सौ करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरब होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवा और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे उनको अपनी कंपनी के रहशों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूट्यूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके रैड से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैंड रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिश जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है खैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पी, पी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालांकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड माइंड्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी दोस्तों हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलाने की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरब होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस, मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवा और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फ़ैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिज़नेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूट्यूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैंड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है खैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालाँकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड मैंट्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलाने की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो करोड़ पार का बताया जा रहा है ख़ैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरबपति होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवा और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो और उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फ़ैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिज़नेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फ़िल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप ख़ार इस मूवी को खुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूट्यूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग YouTube पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैंड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिश जो कि दो की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है ख़ैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पी, पी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालांकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड माइंड्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी पेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलानी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरबपति होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवाँ और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहस्यों को ले करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फ़ैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फ़िल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप ख़ैर इस मूवी को खुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूट्यूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट्स से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग YouTube पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैंड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहां पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिश जो कि दो की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है ख़ैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालांकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड माइंड्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फैली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलानी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो सौ करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरब होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवाँ और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहित संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो और उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहस्यों को ले करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फिल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी ही देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूटूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग YouTube पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैं इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आप कोई ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है ख़ैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालांकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड माइंड्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फैली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलानी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो सौ करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरब होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवाँ और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहित संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो और उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहश्यों को करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वह अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फिल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूटूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैं इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आप कोई ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है खैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालाँकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड मैंट्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फैली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो कार्तिक पला की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो सौ करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरब होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्याम व्यसा में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवा और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ल बेटी रिया के उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहित संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है उनको अपनी कंपनी के रहशों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूटूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके रैड से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़ॉन प्राइम वडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है खैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन एस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालाँकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड मैंट्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फैली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो कार्तिक पला की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरब होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवा और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फ़ैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फिल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूट्यूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैंड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है ख़ैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन एस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालांकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड मैंट्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी दोस्तों हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलाणी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो करोड़ पार का बताया जा रहा है ख़ैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरबपति होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यायाम व्यसा में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवा और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे उनको अपनी कंपनी के रहश्यों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फ़ैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिज़नेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फ़िल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप ख़ैर इस मूवी को खुद से ही देख लीजिए आपको क्या सील लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूट्यूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट्स है और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग YouTube पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैंड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिश जो कि दो की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है ख़ैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालांकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड माइंड्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी पेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलाणी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा इसक्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो करोड़ पार का बताया जा रहा है ख़ैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरबपति होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्याम व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवाँ और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया के उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहस्यों को ली करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फ़ैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिज़नेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमैक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फ़िल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप ख़ैर इस मूवी को खुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूट्यूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट्स है और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंड है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग YouTube पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैंड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहां पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फ़िल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है ख़ैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालाँकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड माइंड्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलाणी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो सौ करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरबपति होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवाँ और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहित संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंशियर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहस्यों को ली करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फिल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी ही देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूटूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट्स है और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग YouTube पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैं इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आप कोई ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है ख़ैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पी, पी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालांकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड माइंड्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो कार्तिक पलानी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो सौ करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरब होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस, मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवाँ और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ल बेटी रिया के उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो और उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फिल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूटूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके रेड से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आप कोई ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग के बाद की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है खैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालाँकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड मैंट्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो कार्तिक पलानी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो सौ करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरब होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवा और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे उनको अपनी कंपनी के रहशों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जसने के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिजनेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को ख़ुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूट्यूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके रैड से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिश जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है खैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पी, पी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालांकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड माइंड्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी दोस्तों हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो कार्तिक पलानी की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो करोड़ पार का बताया जा रहा है खैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरब होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस, मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवा और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जी पी उनको अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फ़ैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिज़नेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फिल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप खैर इस मूवी को खुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूटूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके रैड से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेजन प्राइम वडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड मैंड इसे रिलीज़ कराएंगे तभी आपको शायद देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपको ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखी जा सके तो मैं एक कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम वारिसू है और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी इस मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको इस फिल्म के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों अगर आप भी इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप भी एक धमाकेदार मूवी को एंजॉय कर सकें तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में वारिस जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी भी रही है मूवी के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन देखने को मिलता है और इसका रन टाइम लगभग पौने तीन घंटे का है और अगर रेटिंग की बात की जाए तो वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है जाहिर सी बात है यहाँ पर थालापति विजय है तो उनके नाम पर ही मूवी हिट हो जाती है खैर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर है और इसका क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है और कहानी भी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है तो अगर बात करें फिल्म की लीड कास्टिंग के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को रश्मिका मंदना थालापति विजय आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर म्यूजिक आपको थमन ऐस का देखने को मिलेगा और इसे प्रोड्यूस किया है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमा ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने तो वैसे तो फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे हिंदी के साथ देख सकते हैं ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी हालाँकि इसकी जो हिंदी डबिंग थी उसको गोल्ड मैंट्स ने करवाया था और इन्होंने इसका टेलीविजन प्रीमियर करवाया था अपने ही चैनल के ऊपर यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी दोस्त हुआ था आप में से बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये इनके लिए है तो खैर फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और इसको डायरेक्ट किया था वामसी पेडी फेली ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफ़ी है वो कार्तिक पलाने की देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के अंदर वैसे तो ना ही इतने तगड़े वी एपैक्स है ना ही कोई ऐसे सीन है जहाँ पर पैसे खर्च हो सकते थे लेकिन फिर भी इसका बजट दो करोड़ पार का बताया जा रहा है ख़ैर हो सकता है कि यहाँ पर थालापति विजय की फ़ीस ज़्यादा हो और इसकी वजह हो सकती है कि इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहा है बाकी मूवी के अंदर कहानी नॉर्मल सी है जो कि आप समझ पाएंगे आसानी से और अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो भी आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं आपको ये अच्छी लग सकती है तो फिल्म की बात करें तो शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा अरबपति होता है और इनका एक सबसे छोटा बेटा भी है अब विजय को यहाँ पर घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है इसके बजाय वह एक खाद वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फ़ैसला करता है अब सात साल बाद यहाँ पर राजेंद्रन को स्टेज फाइव का मतलब कैंसर होता है और उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए मस मतलब कुछ ही महीने बचे हैं और आठ दस महीने में वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वह अपनी आसन मृत्यु से पहले अपनी धातक स्थिति को उजागर करता है और अपने दो बड़े बेटों जय या अजय के किसी को एक को जो है अपना उत्तर मतलब वहाँ का सीईओ बनाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जो वहाँ की कंपनी संभाल सके जो उनका फैमिली बिजनेस है उन्हें संभाल सके अब उनका जन्मदिन होता है पैंसठवा और पैंसठ के जन्मदिन के भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं और जश्न के बाद दोनों मामलों की घोषणा करने का इरादा करते हैं विजय को उनकी माँ सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है जो कि अभी भी उसे अपना बेटा मानती है विजय अपने घर को देखता है और उसे पता चलता है कि जय अपनी पत्नी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है अजय करण के जाल में फंस जाता है और जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए यानी कि लगभग पैंसठ मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कर्ज होता है और अब मुकेश को पैसे नहीं चुका पाया तो और उसने अपने पिता के जो व्यापारिक धंधे होते हैं और जो जयप्रकाश है जे पी उनको अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने की पेशकश की होती है दोनों यहाँ पर बड़े भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसी बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है जो कि विजय से तब से प्यार करती है जब से वे अपनी बहन की शादी से पहले ही उससे मिली थी और कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और फिर जब राजेंद्र का जन्मदिन होता है तो जश्न के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और विजय अजय के कपट को उजगार करता है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है और जब आरती को स्मिता के साथ जय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उससे तलाक लेने का फ़ैसला करती है अजय के यहाँ पर विश्वासघात के कारण राजेंद्रन जेपी के हाथों एक बिजनेस डील खो देता है और ये महसूस करते हुए कि उसने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता है अब राजेंद्रन विजय संपर्क करता है जो कि पहले मना कर देता है लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के कारण जानने के बाद वे व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है अब उसके हाथ में सारा बिजनेस आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो बिज़नेस काफ़ी ढंग के साथ वो निभाएगा तो कैसे वो इस बिज़नेस को दोस्तों आगे ले जाता है वो आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और इसका क्लाइमेक्स भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको अच्छा लगेगा तो वैसे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और आपको ये मूवी दोस्तों अच्छी भी लगेंगी तो दोस्तों फिल्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी डबिंग भी वैसे यहाँ पर है और मूवी के अंदर आप सभी को स्टोरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है तो वैसे तो ये फ़िल्म दोस्तों मुझे पर्सनली एक एवरेज लगी है लेकिन सब लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप ख़ैर इस मूवी को खुद से ही देख लीजिए आपको क्या सी लगती है आप हमें बताइए फ़िलहाल तो ये आपको यूट्यूब पर दोस्तों नहीं मिलेंगी ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मैंडस के पास इसके राइट से और आपको पता होगा कि जो गोल्ड मैंडस है इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूटूब पर नहीं देखने को मिलती है अगर आपको इस फिल्म को देखना है वाकई ही दोस्तों तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है और अगर दोस्तों आप लोग YouTube पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जब गोल्ड इसे रिलीज़ कराएंगे तब ही आपको शायद देखने को मिल सकती है